आजकल ये गुटखा और ये बहुत सारी बुराइयां बाहर होती है, और गलती से कोई दोस्त आपका जब बन जाता है, और क्योंकि अब गुटखे से आपको नफरत है, लेकिन चूंकि दोस्त रोज आपके सामने खाता है वो नफरत कम हो जाती है। और कभी भी मतलब जिस तरह के लोगों के आप बीच में आप उठते बैठते हैं उस तरह से आपकी पर्सनालिटी होती है। आपको परफ्यूम की दुकान पे बैठेंगे, परफ्यूम के शॉप पे बैठेंगे, इत्र फरोश के पास बैठेंगे तो बदन से खुशबू ही आएगी। और अगर आप गंदी जगह पे बैठेंगे, कोले की खदान पे बैठेंगे, बच पाएंगे क्या? नहीं बच पाएंगे। एक बात याद रखिए, डिजाइन योर ओन फ्यूचर, क्रिएट योर ओन स्टेटस। बुरा दोस्त, बुरी सहेली उस कोयले की तरह होता है, जो गर्म होता है तो हाथ जला देता है, ठंडा होता है तो हाथ खाली करता है। नुकसान दोनों का है इसमें, तो अपने आप को बचाना। मतलब ये जो सेंस दिए हैं इसमें खलासत भरने नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये हमारे प्रोटेक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं से आप जा रहे हैं, कहीं से पाइपलाइन ड्रेनेज की गंदी और रास्ते में आ रही है, तो कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? स्मेल आती है कि इस रास्ते से गंदगी आ रही है, तो आपको इशारा क्या है कि जहां गंदगी है वहां नहीं जाना है ना? इंटीमेशन है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, गंदगी कैसे जरा देख लेंगे। आपको रोक रहा है ना ये कि वो गंदी चीजें वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारे प्रोटेक्टर हैं, ये इसमें अगर ये साफ है तो सोच साफ है, और सोच साफ नहीं, जो अपने सोच को ऊंची उड़ान देता है खुदा भी उसको नया आसमान देता है। बात समझ में आ गई? तो यहीं से शुरुआत होती है प्रोसेस की। तो मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि यहीं से आप अपना मकाम पैदा कर। आई एम द बेस्ट, जो खुद की इज्जत करता है वो सबकी इज्जत करता है। वो अच्छा सुनने वाला होता है, वो अच्छा देखने वाला होता है। देखो आप सुन रहे हैं, सुनना और देखना क्लासरूम में, अगर आप सही देखने वाले सही सुनने वाले रहेंगे तो याद रखिए 60-70% जो आपको सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आप समझ लेते हैं अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन है तो। 60-70%। और जो आपको डे टू डे डेली होमवर्क जो दिया जाता है रोजाना आप करते हैं, तो 60-70% क्लास में आप सीख जाते हैं, 30-40% रिवीजन जो होमवर्क है वो अपडेट होता है, अपडेट होता है। बात पूरी तरह से समझ में आती है? 5th से 12th तक इनको सही समझ कर आप पढ़ेंगे, बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी अपने मुल्क का हो, आईपीएस का हो, यूपीएस का हो, आप देने के लायक होते हैं, क्योंकि उन एग्जाम में 85% वही क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, लिटरेचर हो, 5th से लेकर 12th तक जो आप पढ़ते हैं।